हेलो गाइस, मैं हूं आपका दोस्त अमन मीणा। आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्नोफेक न्यूज़ पे। टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हाँ तो गाइस, इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं नाविक के बारे में। जब से 2020 स्टार्ट हुआ है, सारी मोबाइल कंपनियां लगी हुई हैं कि 5G फोन पहला इंडिया में कौन सा होगा, कैसा होगा। इसी के साथ में जब Xiaomi के इंडियन CEO ने कंफर्म किया कि उनके आने वाले फोन में नाविक है, तो फिर बाकी कंपनियां पीछे कैसे हटती, सभी ने अनाउंस कर दिया उनके आने वाले फोन में नाविक होने वाला है। हाँ तो गाइस, इस वीडियो में अब हम पूरी तरीके से जानेंगे कि नाविक क्या है, कैसा है और क्यों है। तो इसे आप कह सकते हैं कि ये इंडिया का खुद का GPS है। अभी दुनिया में कुछ ही देश ऐसे हैं जिनके पास अपना अपना खुद का GPS सिस्टम है। कुछ देशों की बात करें तो रूस के पास ग्लोनार नाम का अपना GPS है, चीन के पास बीडो है जो भारत की तरह ही है, यूरोप में गैलीलियो है। इसी तरह कुछ देशों के पास और अपने अपने GPS हैं। भारत पीछे कैसे हटता, 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद भारत ने भी अनाउंस कर दिया कि उनके पास भी अपना खुद का GPS है। इसका नाम है नाविक। चलिए अब बात करते हैं किस तरह के से नाविक काम करता है। चलिए इसे हम एक सरल और सीधी भाषा में समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले बात करें तो नाविक के पास में 7 उपग्रह हैं जो 35,000 किलोमीटर ऊपर धरती के परिक्रमा करते हैं, और हर एक उपग्रह को 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लगते हैं एक परिक्रमा करने में। 7 उपग्रहों में से 3 उपग्रह हमेशा भारत के ग्राउंड स्टेशन से जुड़े रहते हैं, जबकि 4 उपग्रह है जियोसिंक्रेनिक ऑर्बिट में 29 डिग्री पर भूमध्य रेखा पर झुके रहते हैं। इस वजह से वह घूमते हुए एक 8 का चक्कर लगाते हैं, जिस तरीके का आप इस तस्वीर में देखकर समझ सकते हैं। और इस स्थिति को खगोल विज्ञान की भाषा में एलिनमा कहा जाता है। और इस तरीके से चक्कर लगाने के कारण यह पूरे समय भारत के ऊपर बने रहते हैं। और इन 7 उपग्रह में 3 रूबिडियम परमाणु घड़ियां लगी हैं जो कि रेडियो आवृत्ति का पता लगाकर समय, दूरी और आपकी स्थिति का पता लगाती हैं। आइए इसकी कवरेज की बात कर लेते हैं। तो इसकी कवरेज है 15,000 किलोमीटर। भारत के आसपास जितने भी देश आते हैं उनमें 15,000 किलोमीटर तक। अगर आसपास के देशों की बात करें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान, श्रीलंका और चीन के कुछ उत्तरी हिस्सों तक भी इसकी पहुंच होगी। और अगर कवरेज की बात करें तो GPS पूरी दुनिया को कवर करता है, तो ये कोई कॉम्पिटिशन नहीं। हमें ये याद रखना होगा कि भारत के लिए बनाया गया है इसरो की तरफ से नाविक, और इसे इसरो और ज़्यादा बेहतर करने के लिए 4 उपग्रह और लॉन्च करने वाला है। जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इसरो के पास नाविक के लिए 7 उपग्रह हैं और GPS के पास में 31 उपग्रह हैं, जबकि GPS को सभी क्षेत्रों को कवर करने के लिए 24 उपग्रहों की ही जरूरत पड़ती है। हाल ही में अमेरिका ने GPS को और ज़्यादा एडवांस बनाने के लिए कुछ और उपग्रहों की तैनाती की है। इसके अलावा ध्यान देने वाली बात यह है कि भारत में 2 अंतरिक्ष उपग्रहों को स्टैंड बाय पर रखा है कभी भी जरूरत पड़ने के लिए। और नाविक को 2018 में अप्रैल में लॉन्च किया गया था इसरो की तरफ से। नाविक स्मार्टफोन और वाणिज्यिक वाहनों का पता लगाने के लिए L5 की आवृत्ति का उपयोग करता है। वहीं दूसरी ओर नाविक सैन्य उपयोग के लिए S-band आवृत्ति का उपयोग करता है जो इंक्रिप्टेड है और सार्वजनिक उपयोग के लिए खुला नहीं है। इसे प्रतिबंधित सेवा का नाम दिया गया है। अब अगर हम GPS और नाविक में अंतर की बात करें तो यही मैं आपको बता दूं कि नाविक के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि नाविक के 7 उपग्रह भारत के चक्कर लगाते हैं, जिसके कारण आप हमेशा एक किसी उपग्रह के रेंज में तो रहते ही हैं। और यह सभी उपग्रह धरती का चक्कर लगाने में बहुत ज़्यादा टाइम लेते हैं, उस कारण एक उपग्रह आप पर बहुत ज़्यादा देर तक नज़र रखता है। और अगर GPS के बारे में बात करें तो इसके जो 31 उपग्रह हैं वो हमेशा घूमते हैं, पर बहुत ज़्यादा तेज़ी से घूमते हैं, जहाँ हमारे नाविक के उपग्रह को 24 घंटे का टाइम लगता है पृथ्वी की एक परिक्रमा करने में, वहीं पर GPS के उपग्रहों को 11 घंटे का टाइम लगता है एक परिक्रमा करने पर। इसी कारण से जब आप एक उपग्रह से दूसरे की रेंज में जाते हैं तो उस कारण से आपकी सटीक जानकारी नहीं दे पाता है GPS। अब अगर हम बात करें पहाड़ों में अपनी स्थिति जानने की, तो आप सभी को मैंने पहले ही बताया था कि नाविक 35,000 किलोमीटर ऊपर पृथ्वी की परिक्रमा करते हैं सारे GPS। नहीं, अगर GPS के सारे उपग्रहों की बात करें तो वह 20,000 किलोमीटर ऊपर रहते हैं। इसीलिए नाविक के उपग्रह जो GPS से बहुत ज़्यादा ऊपर रहते हैं, इसी कारण से वह पहाड़ों पर भी हमारी सटीक जानकारी दे पाते हैं। और नाविक को भारत की लंबाई या चौड़ाई
हिमालय हो या फिर रेगिस्तान, नाविक को भारत के लिए ही डिजाइन किया गया है। सैद्धांतिक रूप से सामान्य उपभोक्ताओं के लिए 5-20 मीटर और सैन्य उपयोगों के लिए 0.5 मीटर की स्थिति सटीकता है, जो कि आश्चर्यजनक है। जबकि जीपीएस में एक 20 मीटर की सामान्य स्थिति सटीकता है और अमेरिका ने अपनी सैन्य स्थिति सटीकता नहीं बताई है। और नाविक इस वजह से बहुत ज़्यादा बढ़िया है इंडिया वालों के लिए, क्योंकि यह इंडिया के ऊपर हमेशा स्थित होते हैं। कि जीपीएस की बात करें तो इसमें पर्याप्त मात्रा में उपग्रह हैं, पर यह बहुत ज़्यादा तेज चलते हैं और इसी कारण से यह सटीक स्थिति नहीं बता पाते हैं। अभी अगर हम इसकी खामियों की बात करें तो यह इतने ज़्यादा उपयोग में लाया नहीं गया है कि इसकी खामियों के बारे में पता चले, पर कुछ टाइम पहले पता चला था कि परमाणु घड़ियों में कुछ प्रॉब्लम है। इसके कारण इसरो ने पहले ही नाविक में हर एक उपग्रह में 3 परमाणु घड़ियां लगाई हैं, जिसके कारण हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अगर इसके अवेलेबिलिटी की बात करें तो इसरो ने क्वालकॉम के साथ मिलकर इस जनरेशन के स्मार्टफोन जिनमें लगा हो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720 662 460 865 प्रोसेसर बेस्ड स्मार्टफोन में नाविक अवेलेबल होगा। इसी के साथ रियलमी और रेडमी के इस साल आने वाले फोन्स में कंफर्म किया है कि उनके मोबाइल में नाविक सपोर्ट होगा, पर आगे आने वाले फ्यूचर के अपडेट में उसे वो एक्टिव कर देंगे। हाँ तो गाइस, यहीं पे ख़त्म होता है ये वीडियो। लाइक कीजिए वीडियो और कमेंट करके ज़रूर बताइए आपके मोबाइल में नाविक है या नहीं। और इसी तरीके के वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल